Is it especially getting harder for we young people to stay positive these days? What do you think? I think it is comparatively getting tougher. क्योंकि वीक में तीन चार लोग तो इंस्टाग्राम पे मुझसे आराम से पूछ लेते हैं तू पॉजिटिव कैसे रहती है. तो मेरा आंसर उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही है, दैट आई डोंट. यस, मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझे भी नेगेटिविटी परेशान करती है. हाँ, ऐसा दिखता नहीं होगा लोगों को, लेकिन बहुत करती है. बहुत बार वो मेरे खुद के दिमाग की उपजी हुई होती है, यू नो, सेल्फ ग्रोन. और कभी कभी ना बाहर से रेडीमेड मिल जाती है, आपको भी देते होंगे लोग. डोंट यू थिंक बिटवीन ऑल ऑफ दिस इट्स स्पेशली हार्डर फॉर मी टू पोस्ट स्टफ ऑनलाइन जो कि पॉजिटिव हो, जो इंस्पायरिंग हो, जो स्माइल्स दे लोगों को. इट इज टफर. एंड आई थिंक सिर्फ एक ही इलाज है इस चीज़ का और एक ही बीज मंत्र ऐसे करने का, वो है निरंतर कोशिश. जी हाँ, हर वक्त, हर घंटे, हर दिन इस पे काम करना पड़ता है बहुत कॉन्शियसली. सो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम अपनी पॉजिटिविटी ना दूसरों की पॉजिटिविटी पे फीड करते हैं कई बार. समटाइम्स वी सोर्स इट फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स. आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं खुद अपनी पॉजिटिविटी कहाँ से सोर्स करती हूँ और कहाँ से मुझे इम्बाइब करने की कोशिश करती हूँ. एंड आई होप कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ नया या एक्साइटिंग इसमें से सभी को मिल जाएगा. और अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स में तो बता ही दोगे आप. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज़ है अफर्मेशंस. जी हाँ, सुनने में ज़रूर लग रहा है ऐसा कि फोटोसिंथेसिस जैसा ना कुछ कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है. ये सिर्फ वो पॉजिटिव लाइनें हैं जो आपके दिन में जो भी कुछ है जिसे पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, ये उस पर फोकस करती हैं. सपोज इट्स योर हेल्थ, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड अफर्मेशंस मिल जाएंगी. सपोज इट्स योर रिलेशनशिप्स, तो आपको उससे रिलेटेड अफर्मेशंस सुन लेनी चाहिए. सपोज इट्स ग्रोथ, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड अब तो अफर्मेशंस हैं जो आपको मिल जाएंगी. इन परफेक्ट वॉइसेस, अब तो ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं. जब मैंने सुननी स्टार्ट की थी तब उतनी ज़्यादा नहीं होती थी ऑनलाइन, पता नहीं शायद मैं इसी वजह से वो जो काफ़ी पुराने वाली है उससे अटैच फील करती हूँ और मैं चेंज करती रहती हूँ टाइम के हिसाब से. तो प्लीज़ लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको वो ज़रूर सुनना. आई कंबाइन माई अफर्मेशंस विद माई योगा सेशन, तो मैं अपनी योगा सेशन के टाइम पे अफर्मेशन सुनती हूँ मोस्टली. द सेकेंड थिंग इज इंटरव्यूज. यस, आई प्रिफर इंटरव्यूज क्योंकि वो मुझे स्क्रिप्टेड कंटेंट यानी कि स्क्रिप्टेड स्टोरी टेलिंग से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि दे फ्लो नेचुरली, उनमें हंसी नेचुरल लगती है मुझे, उनके जोक्स नेचुरल लगते हैं. एंड जनरली जब हम किसी फेमस इंसान की स्टोरी किसी और के मुंह से सुन रहे होते हैं तो वो लोग उसमें अपना पर्सपेक्टिव डाल के तब हमें उनकी स्टोरी दिखाते हैं. आई प्रिफर कि हम जिसकी स्टोरी है उसके मुंह से सुने, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है. देन इसीलिए शायद आई प्रिफर इंटरव्यूज एंड दे काइंड ऑफ मोटिवेट मी. डज इट मेक एनी सेंस? आई मीन, लेट मी नो इफ इट डज. Can you smell the third thing? The third thing is I prefer natural and homemade food over the processed one. I'm done. Yeah. जो घर का खाना है ना वो आपको शांत भी रखता है, आपको काम भी रखता है ना. It gives you more joy. वो जो है ना, अब ये लड्डू जो हैं हैंडमेड लड्डूज हैं, नारियल के लड्डू हैं, जैसा ये टेस्ट करते हैं ना, दिस टेस्ट लिंगर्स ऑन योर टंग फॉर लाइक हाफ एन आवर और सो. और ये चीज़ जो है आपको वो बाहर के खाने से नहीं मिलती, वो सिर्फ आपको फॉर द टाइम बीइंग अच्छे लगते हैं, बट दिस कीप्स मी गोइंग. फोर्थ पॉइंट, ना कोई सीक्रेट रह ही नहीं गया. मतलब अगर मैं उसे सीक्रेट बताऊंगी ना तो मैं सीक्रेट की भी तोहीन करूंगी. आपने बुक का नाम सुना होगा द सीक्रेट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं वो बुक पढ़ती हूँ, आई हैव नेवर रेड इट,
आई हैव ट्राइड बट मुझसे नहीं पढ़ी गई हो. तो व्हाट आई प्रिफर इज, अगर जैसे मुझे कोई मेजर शिफ्ट लगता है ना अपनी एनर्जी में कि थोड़ी नेगेटिव हो रही है, या आई एम लूजिंग द सेंस ऑफ पॉजिटिव, या मेरे आई एम लूजिंग द पर्पस, तो मैं उसकी ऑडियो बुक को सुन लेती हूँ दोबारा. एंड मेरे पास उनकी जो सीरीज की अगली दो बुक्स हैं, द मैजिक एंड द पावर, उसमें से द मैजिक जो है उसकी भी ऑडियो बुक है मेरे पास. वो मुझे उससे ही ज़्यादा अच्छी लगती है. आई रिमेंबर जब मैं जॉब में थी ना, तो मैं मैजिक को सुनते सुनते ऑडियो को, आई यूज टू फील कि आई एम गोइंग इन टू सम काइंड ऑफ अ डीप स्लीप. फिलोसफी लग रही होगी ज़्यादा, बट आई एम नॉट लाइंग, इट्स ट्रूथ. अब नीचे तो बैठ ही गए हैं, तो सोच रही हूँ एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, विच इज कॉमेडी. यस, कॉमेडी, बिकॉज कॉमेडी सॉर्ट ऑफ ब्रिंग्स मी बैक, ये वापस ले आते हैं मुझे. मेरा दिमाग चाहे बादलों में घूम रहा है, चाहे बाहर घूम रहा है, पर कॉमेडी हमें हियर नाउ में वापस ले आती है. आपको हर एक चीज सुननी है, हर पंच सुनना है, पर सेकेंड आपका फोकस वही होना चाहिए. ओनली देन वी कैन स्माइल, एंड दैट इज़ वाई आई प्रिफर इट, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक कॉमेडी ना असिस्ट करती है मुझे जॉयफुल रहने में, खुश रहने में. एंड अगर मैं खुश हूँ तभी तो मैं वो खुशी दूसरों को दे पाऊँगी. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पिरिचुअलिटी. येस, फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सुबह उठ के पूजा किए बिना नहीं रहती. अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ देन येस आई माइट स्किप इट, तब मैं अपने बेड पे बैठ के कर लूँ, मैं सोते वक्त कर लूँ, बट आई विल डू इट एवरी सिंगल डे बिकॉज इट जस्ट मैटर्स सो मच. मुझे मेरे बेस्ट पे रहने में काफ़ी असिस्ट करती है. वेल, द एट्थ पॉइंट इज नेचर. As you can already see, I think I have already emphasized enough कि nature को पास रखो, nature के पास रहो. मैं इतना बोल चुकी हूँ videos में कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है बात करने की आगे. But एक बहुत famous सी quote है, मुझे जो याद है अभी वो यही है, that in every walk with nature, one receives more than he seeks. मतलब हम जितना लेने के लिए आते हैं ना nature में, उससे ज़्यादा ही मिलता हमें. So I think it's a good excuse to stay near nature. तो मेरी तो positivity यहाँ से अच्छी खासी boost हो जाती है. And I like it here. मैं आज second time आई हूँ इस park में. इस video की वजह से ही मैंने ये park discover किया है. So isn't it a good thing? Back to home sweet home. Actually office sweet. Office. See, second last thing which I think I do is to give love. Yes, it's very important to give love because to be loved is one thing, and I think hum sab crave karte hain isko. But to love is also a need. ये भी एक ज़रूरत होती है. जब से बीगू आया है कि मेरे लव का बड़ा पोर्शन जो है बिगू पे जाता है, एंड देन यू हैव टू गिव इट फर्स्ट टू रिसीव इट. ये क्लीशे चीज़ है लेकिन मैं इसे बहुत अलग तरीके से देखती हूँ. हाउ आई सी इट इज दैट प्यार देना इज रियली इम्पोर्टेंट. इट्स सॉर्ट ऑफ सेटिस्फाइज यू, इट काम्स यू डाउन, आपको शांत भी रखता है, पैम्पर करके एक अच्छी फीलिंग आती है. यार आई थिंक ये सेम फीलिंग है जो आपको किसी को हेल्प करके आती है, वही किसी को प्यार करके भी आती है. सो गिव एज मच एज पॉसिबल आई गेस, या इफ दैट मेक सेंस. एंड द लास्ट पॉइंट आई हैव लिस्टेड जो मैं करती हूँ वो है विजुलाइजेशन. अफर्मेशन उनमें हेल्प करते हैं मेरी. व्हाट आई डू इज़ मैं अपने दिन को मेंटली विजुलाइज करने की कोशिश करती हूँ कि आज के दिन में ये होगा. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता हमेशा, ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता, बट आई ट्राई टू गिव इट. ओके, आई ट्राई टू गिव इट अ मेंटल गुड इमेज, विजुलाइज इट इन अ बिग वे, एंड आई थिंक ऑल गुड
पीपल और परफॉर्मिंग पीपल एंटरप्रेन्योर्स हर कोई करता है इसको. आई थिंक हम डेली लाइफ में भी वो सब अप्लाई कर सकते हैं जो ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बड़े बड़े यू नो सो कॉल्ड सेल्फ मेड लोग करते हैं. एंड इट हेल्प्स एज मच एज दे डू इन बिजनेस, दे हेल्प इन डेली लाइफ एंड पर्सनल लाइफ एज वेल. सो विजुअलाइजेशन हेल्प्स. एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने के लिए मैंने भी कुछ बनाया हुआ है अपने चैनल के लिए और मैंने रिसेंटली बनाया है. एंड इफ यू वॉन्ट आई कैन शो इट टू यू. जस्ट अ मिनट, हाँ होल्ड मी. ओके आई विल हाइड व्हाट आई हैव रिटन अबव, बट दैट इज माय सिल्वर प्ले बटन. इजंट इट क्रेजी. मैं किसी और दिन दिखाऊंगी आपको उसका जूम शॉट, बट आई हैव यू नो sort of designed it so that I can make the secret work. और इन सब को छोड़ो, अगर ये कुछ भी नहीं हो सकता ना इनमें से, then I just sit with my friends and I talk to them. Yes, just chilling and you know sharing everything and it really works. सो में से 90 समय ना ये काम कर रहा. ऐसा नहीं है that मैं ये सारे points हर रोज अप्लाई करती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं महीनों बाद अप्लाई करती हूँ. आई यूज़ अ मिक्सचर ऑफ देम, मतलब कुछ आज कर लिया, कुछ शाम को कर लिया, और जैसे जिस दिन नीड लगी. कभी कभी होता है कि मेरा अफर्मेशंस के बिना गुजारा ही नहीं होता. कभी कभी मैं इतना पीसफुल महसूस कर रही होती हूँ कि योगा ही काफ़ी हो जाता है एंड आई डोंट इवन नीड द बैकग्राउंड म्यूजिक बिकॉज आई डू माई योगा विद बैकग्राउंड म्यूजिक. वेल आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. मैंने जो भी पॉइंट शेयर करे हैं वो सारे सच्चे पॉइंट हैं. उनमें से कुछ भी मेडअप नहीं है, कुछ भी क्राउड प्लीजिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं खुद नहीं करती और मैं उसे सिर्फ वीडियो में इंक्लूड करना चाहती थी. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या एक्स्ट्रा कर सकती हूँ और आप ऐसा क्या करते हैं जो मैं नहीं करती. मे बी आई कैन लर्न अ थिंग और टू हियर. ओके बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और सबको हंसाते रहिए एंड जॉय फैलाते रहिए. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल सी यू सून. आज मैंने रिसीव कर लिया है वही अवेटेड गिफ्ट जो फ्लाइंग बीच सर ने मुझे हैंड रिटन भेजा था. और वाव के प्रोडक्ट्स भी हैं जो आए हैं. मैंने अभी तक ओपन नहीं किया वो, क्योंकि मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हूँ उसे लेके कि तमीज से बैठ के आई विल ब्रेस माई सेल्फ एंड ओपन इट. अभी हम हवा खा रहे हैं केवल, पार्क में घूम रहे. हेलो हेलो, are you running from me? Are you running from me? He's not even flying, huh? Wo nahi ja raha.